महाराष्ट्र कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले से बातचीत के बाद डॉक्टर सुनील देशमुख ने कांग्रेस में जाने का फैसला कर लिया है। डॉक्टर सुनील देशमुख अपने हामियों के साथ कांग्रेस में शिरकत करने जा रहे हैं। आखिर क्या वजह रही कि डॉक्टर सुनील देशमुख ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा? डॉक्टर सुनील देशमुख से बातचीत की हमारे नुमाइंदे कमर काजी ने, आइए देखते हैं। बीजेपी से रुकन असेंबली रह चुके डॉक्टर सुनील देशमुख हमारे साथ है, जिनके घर वापसी के अभी चर्चे है। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने कांग्रेस में घर वापसी की। बताइए डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि आपने एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थामा? आप तो सब जानते हैं कि मेरी संस्कृति कांग्रेस की ही रह चुकी है। मेरे राजकीय जीवन की शुरुआत और मैं मिनिस्टर जो बना, ये सारे कांग्रेस के टेन्योर में ही बना हूँ। तो मेरी जो संस्कृति रही वो कांग्रेस की ही रही है। 2009 में जो राजकीय घड़ामुड़ी जो हुई, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति के पुत्र के वजह से मुझे टिकट नहीं दी गई, और उसके बाद मैं जो इंडिपेंडेंट पक्ष लड़ा, उसके बाद फिर मैंने कांग्रेस का हाथ दामन नहीं छोड़ा था। कानपुर के कदवई नगर थाने इलाके में पुलिस ने एक बाबा को गिरफ्तार किया है। बाबा ने 5 शादियां की हैं और छठी की तैयारी में जुटा था। बाबा अपना नाम और मजहब छुपाकर दूसरी मजहब की लड़कियों से शादी करता था और फिर उसे परेशान भी करता था। बाबा का असली नाम अनुचेतन है। ये बाबा शाहजहांपुर का रहने वाला है। बाबा अनुचेतन पर मजहब छुपाकर दूसरे मजहब की लड़कियों को बहलाने, फुसलाने और शादी के बाद उन्हें परेशान करने का इल्जाम है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाबा अनुचेतन को जेल भेज दिया है। आज कानपुर नगर पुलिस की थाना किदवई नगर द्वारा अनुज कठेरिया उर्फ अनुचेतन सरस्वती की गिरफ्तारी की गई है। इनकी पत्नी द्वारा 307, 377, 495 आदि धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया था, जिनपे आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनकी पूर्व में 5 शादियां होने की बात प्रकाश में आई है। वह ये पूर्व में शाहजहांपुर जनपद से जेल भी जा चुके हैं और 2 मुकदमे वहाँ पर पंजीकृत थे। एक और मुकदमा थाना चकेरी से इनके खिलाफ चल रहा है। ये तांत्रिक, मौलवी, वेटर, टीचर आदि होने के बाद कह करके लड़कियों को फंसाया करते थे। ये शादी की जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी प्रोफाइल बनाते थे और लड़कियों से संपर्क स्थापित करते थे। ये 5 शादियों होने के उपरांत भी लगभग 30 लड़कियों से संपर्क में थे उनसे शादी करने के लिए। इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इनको जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई